श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप सभी सुंदर साथ जी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जो राह हमारे सतगुरु ने हमें बताई वाणी मंथन की, चितवन की, सेवा की, उस पर चलना ही असल अर्थों में वास्तविक गुरु पूर्णिमा को मनाना है। तो ना केवल आज, जीवन का हर पल गुरु पूर्णिमा मनाइए और उनके चरणों में नतमस्तक होइए, और जो राह उन्होंने बताई है उस पर चलने का आइए सुंदर साथ जी प्रयत्न करेंगे। चलिए गोष्ठी शुरू करते हैं। आज 17th यानी के 17वीं गोष्ठी में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वाणी गायन का आनंद सबसे पहले आइए लेते हैं सुंदर साथ जी। राजे
देखा सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के बालकों को कितनी सुंदर शिक्षा, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो वाणी मंथन की हो, चाहे वो चितवन की हो, सेवा की हो, या कितने प्रकार की शिक्षाएं, और ऐसा नहीं 10वीं 12वीं के पेपर भी सुंदर साथ जी ये बच्चे देकर आते हैं। अति 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 सुंदर वाणी गायन, और वो भी इतने विशेष अवसर पर हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम श्री मुखवाणी का एक हर्फ भी अपने अंदर उतार पा रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, कितनी सुंदर श्री सतगुरु की चौपाइयां सिंध बिंद पर चावे, यही सतगुरु होते हैं। सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है श्री बीतक साहब में, जब श्री देवचंद्र जी मिहिर राज जी को बुलाते हैं, बाल भाई जी बिहारी जी उनको बुलाने जाते हैं, तो कहते हैं उनको बुलाकर लाओ जो गाया करते थे, जान हून कोड धड़ 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 कोड मथन, मथा मथा कोड मू मू कोड जिभन। वो कहा करते थे, यदि मेरे करोड़ों धड़ हों, एक एक धड़ में करोड़ों सिर हों, एक एक सिर में करोड़ों मुख हों, और एक एक मुख में करोड़ों जिह्वाएं हों, हितरा मेडी तो ही जा ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जो ही कड़ी पूजी ते न सगन। इतनी जिह्वाएं मिलकर भी यदि आपके गुणों को गिनना चाहे मेरे सतगुरु, तो भी वो एक गुण को भी गिनने में समर्थ नहीं हो सकती, इतने अनंत गुण हमारे सतगुरु में समाये हुए हैं। आइए हम सब सुंदर साथ जी मिलकर, स्वामी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, श्री राजन स्वामी जी के चरणों में सबकी ओर से कोटान कोट प्रणाम जी अभी सामने आएंगे, और आज हमें भरपूर आत्मिक आहार स्वामी जी से मिलने वाला है। मैं एक बार स्पॉटलाइट कर रही हूँ, मूक ही हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। सुंदर साथ जी हमारे सतगुरु आ चुके हैं, और सुंदर साथ जी ने इतने सुंदर उद्गार जो व्यक्त किए हैं स्वामी जी के लिए, बस एक मिनट स्वामी जी के मुख से प्रणाम जी और हम सब के मुख से प्रणाम जी, एक ही बात है। आज का दिन हम सब के दिन में इतना पावन है, और केवल ये एक दिन नहीं सुंदर साहब जी, हर पल गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए हमारे दिल, हमारे दिल में हर समय गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए, हमें हर पल गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाना है, क्योंकि एक एक पल को सुनहरा कर दिया हमारे सतगुरु ने। मानव तन का एक एक पल जो नष्ट होता जा रहा था माया में गुम होकर, हमारे सतगुरु ने सही राह दिखाकर एक एक पल को सार्थक कर दिया। आइए चलते हैं श्री राजन स्वामी जी के मुखार बिंद से अति सुंदर वाणी चर्चा का श्रवण करते हैं। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साहब जी, आज गुरु पूर्णिमा है, अषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहलाते हैं, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। इसी तरह से क्वार मास की पूर्णिमा, जिसको शरद रास की पूर्णिमा कहते हैं, रास पूर्णिमा कहलाती है, जिसमें महारास की लीला होती है। 12 महीनों के 12 पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन आज जो गुरु पूर्णिमा है इसमें एक दो तथ्य छिपे हैं। आप देखिए, शुक्ल पक्ष से चंद्रमा की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, प्रथमा से शुरू होते होते और पूर्णिमा को एक पूर्ण स्वरूप हो जाता है, पूर्ण रूप से वृत्ताकार। ये चंद्रमा क्या है? सूर्य के अनंत तेज को देख, लेकिन चंद्रमा को जी भरकर आंखें देख सकती हैं। चंद्रमा सूर्य के उसी प्रकाश को लेकर शीतलता फैलाता है, शांति फैलाता है, प्रेम का मधुर आसास करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व हमें इस मायावी जगत में, क्योंकि जो सच्चिदानंद प्रभु सौ लीला द्वैत है, त्रिगुणातीत है, हर मानव तन के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन इस संसार में रहते हुए उसकी एक झलक का, प्रकाश का अनुभव हम कैसे करें, वो
एक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के माध्यम से संपन्न होता है। अब देखते हैं कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या हो जाती है, फिर प्रथमा द्वितीया से लेकर के चतुर्दशी तक यहाँ भी पूरा होता है, लेकिन और अमावस्या को जाते जाते कुछ भी नहीं बचता। इसका आशय क्या है? यदि हमने ज्ञान को बढ़ाया, इस कथन को सतहस समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण 100 हाथों से बटोरिए, हमारे पास कितने हैं? 2 हाथ हैं, लेकिन हम 50 गुनी शक्ति से विद्या अर्जन करें, ज्ञान को ग्रहण करें और 1000 हाथों से लुटाएं। 1000 हाथों से लुटाने का तात्पर्य क्या है? 100 हाथों से बटोरा और 1000 हाथों से लुटाया, यानी 10 गुनी ताकत से, जितनी हमने शक्ति से ज्ञान अर्जित किया है उससे भी 10 गुनी अधिक शक्ति से हम ज्ञान को लुटाएं, बांटे। लुटाना से लिखा है सतहस समाहर सहस्त्र संकेत, 1000 हाथों से लुटाओ। सृष्टि कैसे चल रही है? गुरु तत्व से चल रही है। आजकल गुरुडम भी बहुत फैला हुआ है, ज्ञान बेचने को, ज्ञान देने को एक व्यापार का साधन बना लिया गया। ज्ञान देना हमारा अनिवार्य अंग है, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। जिसको आप ज्ञान देते, जैसे कोई वस्तु लुटाई जाती है तो लुटाने वाले से कुछ लिया नहीं जाता है, उसको तो देना ही होता है। उसी तरह से सृष्टि में यदि ज्ञान को लुटाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वेद में उसी कहा गया है, सानो बंधु जनता श्रद्धा मान वेद भगवान विश्व, वो पिता है माता है। आप गीता में भी पढ़ते हैं, तुम्हें माता चिपता तुम्हें तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें। एक बालक जब माता पिता के घर जन्म लेता है तो माता की अलग भूमिका होती है, वो पालन पोषण करती है, दुलार देती है, शिक्षा भी देती है। प्रथम गुरु बच्चे की क्या होती है? माँ होती है। द्वितीय गुरु पिता होता है, पिता है। तीसरा जो हमें शिक्षक मिलता है, जो हमें कई विद्याओं का अनुभव कराता है, जिसको गुरु कहते हैं, अंधेरे से उजाले में ले जाने। और इसके परे होता है सदगुरु। सदगुरु का अर्थ क्या है? शिक्षक तो कई हो सकते हैं। हमारे विद्यार्थी जीवन में प्राथमिक कक्षाओं में कोई और पढ़ाता था, माध्यमिक कक्षाओं में और, महाविद्यालय में कोई और पढ़ाता है और विश्वविद्यालय में कोई और पढ़ाता है। लेकिन इनसे भी परे जो एक परम तत्व का ज्ञान कराता है उसको सदगुरु कहते हैं। आप देखेंगे वैदिक काल की परंपरा में छांदोग्य उपनिषद में यह वर्णन आता है कि नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं। नारद जी से पूछते इसी प्रकार अंतर ध्यान की लीला श्री रास में भी हुई थी और सारी सखियां घबरा गई थी कि हमारे श्री राज कहाँ चले गए। चिंता मत कीजिए, तब भी प्रकट हो गए थे और अब भी बहुत जल्दी स्वामी जी जुड़ने ही वाले होंगे। जैसे हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारे सतगुरु का भी नहीं लग रहा होगा। बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी आ जाएंगे हमारे प्यारे सतगुरु जी। सुंदर साहब जी, कितना सुंदर श्री मुखवाणी में बहुत सुंदर एक सतगुरु के लिए चौपाई कही गई है। श्री महामत कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुरों आई, झूठी छूटे सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। श्री महामती जी कहते हैं, हे चिंतामणि जी, सावधान हो जाओ, तुम्हारे अंदर क्यों मिले हैं ये सतगुरु?
तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण तुम्हें सतगुरु रूप में कौन मिला है? पार ब्रह्म प्रियतम तुम्हें मिल गया है। झूठी माया को छोड़कर अखंड ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। झूठी छूटे सांची पाइए और अपने सदगुरु को रिझा लो, उसमें बिल्कुल पीछे ना रहो। और हमारे स्वामी जी अब आ चुके हैं और आइए चलते हैं स्वामी जी की ओर। प्रणाम जी, कहा था ना बिल्कुल एक पल का बिछोहा था रास में भी और यहाँ पे भी। प्रणाम जी स्वामी जी। राधा सुंदर साची, मैं वही प्रसंग दोहरा रहा हूँ। सनत कुमार के पास नारद जी जाते हैं और सनत कुमार उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। नारद जी ने कईयों से वेद पढ़ा होगा। नारद जी के शिष्य हैं वेद व्यास जी, और आप जानते हैं पौराणिक हिंदू समाज वेद व्यास जी को अपना गुरु मानता है। लेकिन वेद व्यास जी से गलती होती है तो नारद जी फटकार लगाते हैं, और नारद जी को मार्गदर्शन कौन दे रहा है? सनत कुमार जी दे रहे। सनत कुमार को भी मार्गदर्शन देने वाला कोई ना कोई गुरु रहा होगा। ब्रह्म तत्व का उपदेश ग्रहण करना ही पड़ता है। देखिए, गुरु का अर्थ क्या होता है? अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला। आजकल एक धारणा बन गई है, लोग क्या करते हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, हमें तो सारा ज्ञान हो गया है। सुंदर साथ में भी बात होती है कि वाणी तो हमारे घर है, पढ़ लेते हैं, हमें किसी से तारतम्य लेने की क्या जरूरत है? तारतम्य तो वाणी में लिखा ही हुआ, याद कर लेते हैं। मैं आज इस विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा। ऐसा कौन बोलता है? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अहम खड़ा होता है। मैंने आपको गुरु पूर्णिमा के दृष्टांत से समझाया। परमात्मा इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है, सृष्टि का पालन करने वाला है, लय देने वाला है, वही ज्ञान देने वाला है, अज्ञानता के अंधकार से हमें परे ले जाने वाला है। गुरु तत्व को समझिए। चेतन प्राणी को तो छोड़ दीजिए, दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु किए थे। जिससे शिक्षा मिलती है वो हमारा गुरु। प्रकृति को देखिए, जड़ प्रकृति हवा को देखिए जीवन देती है, नदियों को देखिए वो दौड़ती है सागर की तरफ दर्शाने के लिए कि हमारी आत्मा रूपी नदी प्रीतम रूपी सागर से कम मिलन कर ले। उस अनंत ऊंचाई वाले हिमालय को देखिए, वो हमें स्वाभिमान सिखाता है। अभिमान और स्वाभिमान अलग अलग पहलू है। 36 का आंकड़ा है। अभिमान मनुष्य का पतन कराता है, स्वाभिमान मनुष्य को ऊंचाइयों पर ले जाता है, शिखर पर पहुंचा देता है। स्वाभिमान किसका? हिमालय को देखिए, स्वाभिमान से खड़ा। हमें अपनी आत्मा का स्वाभिमान करना है। लेकिन जो दृश्यमान जगत है, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, इसका कभी अहंकार नहीं करना है। उन वृक्षों से देखिए जिसमें फल लगते हैं वो झुक जाते हैं। फूलों को देखिए, सुगंध फैलाते हैं। कोई उन्हें पैरों से मसलता है तो भी उसके पैर में भी सुगंधि छोड़ देते हैं। सारी प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है। ये प्रकृति तो जड़ है, काल माया के ब्रह्मांड में प्रकृति जड़ है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में तो प्रकृति चेतन है, ब्रह्म की हिलादरी शक्ति है। चेतन ब्रह्म चेतन प्रकृति के चेतन प्रकृति चेतन ब्रह्म के साथ क्रीड़ा करती है। तो आप सोचिए, इस काल माया के ब्रह्मांड में भी जड़ प्रकृति में जो कुछ हो रहा है ब्रह्म की सन्निधि से हो रहा है, उसके संकल्प से हो रहा है। हमें भी प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए, वृक्षों से, उस गुजरती हुई हवा से जो सबके जीवन देती है, उन बादलों से जो वर्षा करके कुछ लेते नहीं, उसी तरह से गुरु तत्व है। ये जड़ प्रकृति भी हमें शिक्षा दे रही है। तो जो चैतन्य जो महापुरुष हैं, किसी न किसी रूप में सारी मानवता को संभाले। ग्रंथों में ज्ञान निहित होता है, आप उसको रट सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन संसार में बड़े से बड़े व्यक्ति को यदि पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा तो भटक जाएगा। यही कारण है कि चारों वेदों को पढ़कर कंठस्थ करके भी नारद जी को जाना पड़ता है सनत कुमार की शरण में। चार ऋषियों के अंदर वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन उन ऋषियों का कथन क्या है? सहिसब पूर्वे साम अग्रो कालीन अनिच्छिदांत। जो काल की परिधि से परे है वही परमात्मा सभी गुरुओं का गुरु है। ब्रह्मा विष्णु शिव का भी वही गुरु है। एक सामान्य मानव
यदि विश्वविद्यालय की डिग्रियां ले लेता है, कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है, तो उसके अंदर ज्ञान का अहंकार खड़ा हो जाता है, बौद्धिक ज्ञान का। लेकिन यदि सच्चा ज्ञान हो जाता है तो अपने अस्तित्व को मिटा देगा। जहां ज्ञान होता है वह अहंकार नहीं होता। अहंकार कहाँ होता है? जहां वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं, उथला ज्ञान ही मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है और वो सोचता है कि मुझे किसी से लेने की क्या जरूरत है। आज बौद्ध मत में यही दिखाई पड़ रहा है। बौद्ध मत भी क्या कहता है, भगवान बुद्ध को किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। जो उन्होंने समाधि लगाई वो आज तक कोई लगा ही नहीं सका, ये मिथ्या भ्रम है। उन्होंने जिस निर्विष समाधि की प्राप्ति की, उस निर्विष समाधि का वर्णन तो योग दर्शन सांख्य दर्शन में है ही। सृष्टि के प्रारंभ से ऋषि मुनि करते आ रहे थे। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मेरे पहले अनेक बुद्ध हो चुके हैं और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। मेरे बाद जो बुद्ध आने वाले हैं वो मेरे से अधिक ज्ञानवान होंगे। आशय क्या है? ज्ञान अपने अहम को समाप्त करना सिखाता है। संसार का बड़ा से बड़ा योगी होगा यदि वो सोचता है कि मैं अपने आप सारी समाधि तक पहुंच जाऊंगा तो उसका भ्रम है। एक पथ प्रदर्शक मिल जाता है जिसने उस सत्य को साक्षात्कृत किया है, तो जो मंजिल स्वयं के प्रयास से वर्षों में पूरी होनी होती है, महीनों में दिनों में पूरी हो जाती है। यदि आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहते हैं, यदि कोई महापुरुष का वरद हस्त होता है तो वो काम सरलता से पूरा हो जाता है। आप सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काम को जो वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, अगस्त ऋषि ने कितना सरल बनाया। यदि योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं होते तो आप सोचिए, धर्मराज, युधिष्ठिर और सहदेव तो बुद्धि के पंडित, बुद्धि के सिरोमणि कहलाते थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। संसार में हर योगी अपना एक पथ प्रदर्शक चुनता है। इसमें छोटा और बड़ा होने की बात नहीं होती। मैं आपको इसको यजुर्वेद की एक व्याख्या से बताता हूं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। नीति ने कहा है कि अति सर्वत्रम वर्जित, अति बहुत बुरी। जो गुरुडम होता है, गुरुडम क्या होता है, आज कितने गुरुजनों के पैर भी धोए जाएंगे, चरण धो के पिए भी जाएंगे, दूध से स्नान भी कराया जाएगा, लेकिन ये सब करने वाले केवल औपचारिकता पूरी करते हैं। इनमें कोई आरोही नहीं होगा जो अपने गुरुदेव के आदेश पर पूरी रात पानी में भिगा रहा। कोई इनमें एकलव्य नहीं होगा, कोई इसमें छत्रपति शिवाजी नहीं होगा जो समर्थ गुरु रामदास के आदेश पर सेवनी का दूध दुहने के लिए चले गए। उनको विश्वास था कि यदि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है सिंघनी का दूध लाओ तो सिंघनी कुछ नहीं करेगी। और वो जाते हैं, सिंघनी सामने खड़ी है, कहते हैं कि माता, गुरुदेव का आदेश है, मुझे तुम्हारा दूध चाहिए। वो लेट जाती है और समर्थ गुरु रामदास का आदेश का पान होता है। शिवाजी उस दूध को धो करके लाते हैं, गुरु चरणों में रख देते हैं। जो नकली थे चरण धोकर पीने वाले, वो तो पहले खिसक गए थे कि कौन लाएगा, हमें जान थोड़े देनी है। लेकिन औपचारिकताओं को निभाने वाले तो छत्रसाल जी नहीं हो। एतक में स्पष्ट लिखा है कि आज दिन तक छत्रसाल जी जैसा सदगुरु की भक्ति करने वाला कोई। सबने गुरु से जान लिया, कुछ सेवा की, फिर अलग हो गए। लेकिन छत्रसाल जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जब श्री जी मात्र 2 साल के लिए जाते हैं चित्रकूट, तो एक एक पल गुजारना छत्रसाल जी के लिए कठिन होता है। अपनी इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है सेवा पूजा के श्लोक में कि छत्रसाल जी के पियाजी सुंदर वर अंते जान देऊं, राखो मैं रसिक रमाए आपे सब भक्त सुखी, कि मैं अपने प्राणी सुख को कभी भी अलग नहीं करूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपने आराध्य को देखा, अपने अक्षरती को देखा था। यह भावना आज तक सृष्टि में कोई आभी नहीं, किसी के अंदर नहीं आ सकी। आते भी क्या, क्योंकि अक्षरती के तो चरण कमल ही नहीं पड़े थे। और देखा जाए तो अक्षरती का प्रकाश देवचंद जी के अंदर आता है। जिस सदगुरु श्री देवचंद जी को हम निजानंद स्वामी कहकर निजानंद दर्शन का प्रणेता मानते हैं, उनको भी तो जगह जगह जाकर ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। जब राज्य उस स्तर में विराजमान होते हैं तो उनको सदगुरु धनी से देवचंद जी कहा जाता है। इसके पहले वे मात्र देवचंद थे।
श्री मीराज के तन में अक्षर अतीत हफ्से में विराजमान होते हैं। हम उन्हें राज्य का साक्षात आवेश स्वरूप मानते हैं। तुम्हें उतर अयर से तुम्हें क्यों मिला, तुम्हें दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ क्यों। लेकिन श्री मीराज भी तो पहले एक जिज्ञासु के रूप में श्री देवचंद जी के चरणों में आते हैं विद्यार्थी की तरह। वे भी चर्चा सुनते हैं, वो भी टिप्पणी करते हैं, वे भी सेवा करते हैं, वो भी सतगुरु धन श्री देवचंद जी के मुखारविंद से डांट भी खाते हैं। सब कुछ हो, कोई भी होगा इस सृष्टि में, तो जब तक किसी के सामने झुकना नहीं सीखता, जो झुकता है वही तो ऊपर होता है। अकड़ा हुआ वृक्ष तूफान के झोंके से उखड़ जाता है और झुकता हुआ वृक्ष, आप घास को देखिए, इस सृष्टि की सारी तूफान की शक्ति लग जाए, एक झुकने वाली घास को कभी भी उखाड़ नहीं पाएगी। तो जो विनम्रता से ज्ञान लेने वाले के पास झुकता है, एक दिन वही गुरु बनता है। ये तो परंपरा है, एक पीढ़ी जाती है गुरुजनों के, जिनको शिष्य कल बनाया जाता था, आने वाली पीढ़ी में गुरुजन बन जाते, पुनः वो पीढ़ी पीढ़ी चलती है। इसी को कहते हैं संत समाह सहस्त्र संकेत, एक हाथों से बटोरिए दूसरे हाथों से लुटाइए, हजारों हाथों से लुटाओ। लेकिन ज्ञान को बांटने की प्रक्रिया बदल जाती है। आज दुर्भाग्य क्या है, जो गुरुजन है प्राय वो ज्ञान छिपाते हैं, और ज्ञान को छिपाने की जब से प्रवृत्ति आरंभ हुई तब से यह देश रसातल को चला गया। जो विश्व गुरु था हजार वर्षों की दास्ता झेलता, मैंने वही कहा शुरू में ही मैंने बता दिया कि यदि कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा की रात जैसे बीतती है उसके बाद क्या होता है, प्रथमा शुरू हो जाती है, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, चंद्रमा की कलाएं घटती घटती पूर्णमासी से घटकर क्या हो जाते हैं, कुछ नहीं, शून्य पर आ जाता है, अमावस्या को दिखता ही नहीं, लगता है कि चंद्रमा है ही नहीं। उसी तरह से ज्ञान को आप छिपाएंगे, व्यय कृति वर्तते नित्यम विद्या धनम सर्वधर्म, जितना बांटेंगे उतना ही बड़ी बात, जितना आप छिपाएंगे उतना ही एक घट जाता है। और इस देश में यही हुआ, सबने अपने अपने ज्ञान छिपाना प्रारंभ किया, परिणाम क्या हुआ, ये देश हजार शताब्दियों तक गुलाम बना रहा, जो भी आए दो लती लगाते रहे और यहाँ के रहने वाले सिर नीचा करके सुनते। मैं यजुर्वेद की उस व्याख्या को आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या कहा है वेद ने, प्रत्येन दीक्षा आपनोत, दीक्षा आपनोत दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोत श्रद्धा सत्यम अप्यते। आप देखिए, व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है, दीक्षा से दक्षिणा को, दक्षिणा से श्रद्धा को, और श्रद्धा से सत्य को प्राप्त हुआ जाता है। इसलिए तो गीता में कहा है श्रद्धा सत्यम आप, श्रद्धावान लगते परम ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा ही समर्पण की तरफ ले जाती है, और समर्पण के बिना समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। योग दर्शन ने साफ कह दिया, सृष्टि में कोई बड़ा से बड़ा योगी हो, यदि उसमें श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी परम का साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वो हजार संत गुफाओं में क्यों ना बैठा। और जिसके पास समर्पण की पूंजी है, श्रद्धा की पूंजी है, वो तुरंत प्राप्त कर लेता है। व्रत किसको कहते हैं, श्रेष्ठ आचरण को ग्रहण करने का भाव जो है व्रत कहा जाता है। व्रते मैं सत्य बोलूं, यह व्रत है। मैं किसी प्राणी को कष्ट न दू, यह व्रत है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, यह व्रत है। मैं ध्यान करूं, यह व्रत है। और जब हम व्रत को धारण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दीक्षा। दीक्षा शब्द में बहुत विवाद है आजकल, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या करता हूं तो बताता हूं दीक्षा में क्या। दीक्षा कई तरह की होती है। देखिए, व्रत को जब गुरुजन ग्रहण कराते हैं अपने शिष्यों में तो उसको कहते हैं दीक्षा। आजकल हमारे समाज बहुत ही अंधेर में है। मैं इस मंत्र की व्याख्या के बाद उस पर आता हूं। दीक्षा क्या है, व्रत को श्रेष्ठ महान लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प व्रत कहलाता है। जब वो धारण किया जाता है तो दीक्षा कहलाती है। दीक्षा से श्रद्धा पैदा होती,
जैसे हमने सत्य बोलने का व्रत लिया तो क्या होगा, हमारे में सत्य के प्रति श्रद्धा होगी, और श्रद्धा श्रद्धा से ही सत्य प्राप्त होता है, श्रद्धा से ही ब्रह्म होता है। यहां तक कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कह दिया, भवानी संक्रम बंधो श्रद्धा विश्वास रूप लो। मैं शिव और पार्वती की भक्ति श्रद्धा और विश्वास के रूप में करता हूं। इसी को हम वाणी के संदर्भ में देखें तो इसको क्या कहा गया, इसको ईमान। ईमान क्या है, अटूट विश्वास। अटूट विश्वास जब होगा तभी समर्पण होगा। अटूट विश्वास और समर्पण, अटूट विश्वास किसकी तरफ ले जाएगा, समर्पण की तरफ। समर्पण किसके प्रति किया जाएगा, जिसके प्रति प्रेम होगा। ज्ञान ही वो समर्पण श्रद्धा सिखाएगा, ज्ञान ही हमें व्रतधारी बनाता है। जैसे ज्ञान नहीं होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तारतम ज्ञान हमें दर्शाता है कि हमें वाणी का ज्ञान ग्रहण करना है। तारतम ज्ञान हमें बताता है कि हमें राज्य का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। आज से कुछ साल पहले केवल कर्मकांड का बोलबाला था, अब धीरे धीरे ये कुंवरा हटने लगा है। अब सुंदर सार के मन में प्रेरणा जगी जगने लगी है कि हमें ब्रह्मवाणी का चिंतन करना है, राज्य को साक्षात देखना है, क्योंकि वाणी कहती है क्यों रहे दीदार बिन प्राण। इसके पहले तो यही था, 5 बार तारतम पाठ कर लो, माला फेर लो, परिक्रमा कर लो, चरणामृत ले लो, क्योंकि राज्य तो हमें मिलने वाले नहीं है, हम गृहस्थी हैं, यही घुट्टी पढ़ा दी गई थी। लेकिन वाणी में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब देखिए, जब आप तारतम ग्रहण करते हैं तो क्या है, वो केवल मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा किसको कहते हैं, जो तारतम को मंत्र के रूप में देखते हैं वो केवल मात्र मंत्र दीक्षा है जैसे। और यदि देखा जाए तो वह अंतिम उपलब्धि नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृत में 16 संस्कार किए जाते हैं, और 16 संस्कार में बच्चे के जन्म के बाद जो संस्कार किया जाता है, 3 संस्कार तो जन्म से पहले ही हो जाते हैं, उसके बाद के जो संस्कार होता है उसमें क्या किया जाता है, बच्चे के कान में बोला जाता है वेदोवसी, और उसकी जीवा पर सोने की सलाखा से लिखा जाता है ओम। मंत्र तो वही हो गया, जिसके कान में कह दिया गया कि तू ज्ञान स्वरूप है, वेदवसी, यह भी मंत्र है। ओम लिख दिया गया, ओम तो ब्रह्म का वाचक नाम है। जब वो विद्यार्थी, जब वो बालक 6 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता है, तो उसको गायत्री मंत्र याद करा दिया जाता है। जैसे हमारे में तारतम की 6 चौपाइयां हैं, बच्चे को गायत्री मंत्र सिखा दिया जाता था वैदिक काल में, जिसको बोलने पर स्त्री की जीवा काट लेने की बात कही जाती है, शूद्र के कान में शीशा पिघलाया जाता है। ये किसने किया, पौराणिक कर्मकांडियों ने किया, जिन्होंने आज गुरुधर्म फैला रखा, जो आज अपने चरण धोकर पान कराएंगे, अपने शिष्यों को दूध से स्नान कराएंगे, उन्होंने ये किया था। ये कान में फूकने की परंपरा कहाँ से चली गई, दुर्भाग्यवश हमारे समाज में भी ये परंपरा चल गई। आप सोचिए आजकल कितनी अंध परंपराएं हैं, जिस समाज में परम धाम का ज्ञान उतरा हो, 18,758 चौपाइयां जिस समाज में अक्षर अतीत ने अपने अवेश स्वरूप से कह करके दी हो, और सारे संसार के लिए परम धाम के दर्शन का द्वार खोल दिया हो, जो आज तक सृष्टि में कभी संभव नहीं था, ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, अनंत बार सृष्टि बनी है, अनंत बार बनेगी, लेकिन परम धाम का ज्ञान, यह ज्ञान जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में है, आज तक न आया था न कभी आएगा, और इसके साक्षात्कार का अवसर भी कभी किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस समाज में ये उपलब्धि है, आज उस समाज की स्थिति क्या है, ये कान में फूंक मारी जाती, किसी के ऊपर चुनरी उड़ा दी जाती है, तो किसी के हाथों में मेहंदी भी लगा दी जाती है। पूछा गया ये कहाँ लिखा है, फिर कान में फूंक मारने का प्रचलन क्यों, चारों वेद, चार उपवेद, छह उपांग में कहीं भी कान में फूंक मारने की प्रवृत्ति नहीं है। ये प्रवृत्ति तो मध्य काल से शुरू हुई, जिसमें पौराणिक सोचते थे कि हमारा मंत्र कोई सुन लेगा तो हमारी माता क्या कहेगी। एक बार विद्वानों की गोष्ठी हो रही थी, संयोग समय उसमें भी था, उस गोष्ठी में यही चर्चा चल रही थी कि मंत्र तारतम मंत्र है, इसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से मंत्र की शक्ति चली जाती है। आप सोचिए इसका मतलब कि तारतम में कोई शक्ति ही नहीं है। तारतम में अक्षरातीत की पहचान है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को होता है। अक्षरातीत की पहचान देने के तारतम ज्ञान आया, यदि आप उसको कह देंगे
तो उसकी शक्ति कैसे चल जाए? ये प्रवृत्ति कहां से पैदा हुई? मध्यकाल से, जब घना अंधकार छाया हुआ था ज्ञानता का। आचार्यों ने सोचा कि हमें ध्यान तो आता नहीं, समाधि तक हम पहुंचे नहीं है, अपने शिष्यों को ऐसे ही जाल में फंसाए रखे और कहते हैं कि मंत्र यदि किसी को सुना दोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, इससे कान में कहने लगे। और आज भी हमारे समाज में वही नकल चली आ रही है कि कान में फूक मारी जाती है, एक तरह ढोल बजा दिया जाता है कि वासना जागी रे, वासना जागी रे, पूछा जाता है कि क्या कहा गया, सुनने वाले को पता नहीं कि मुझे क्या कहा। ये अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर 1,96,08,53,124 वर्ष हो गए हैं सृष्टि को, लेकिन कहीं भी ये परंपरा नहीं रही मध्यकाल के अलावा, और उसी की नकल आज हम कर रहे हैं। हमारे शिष्य विद्वत जन, गुरुजन सभी इसी अंत परंपरा को अपना रहे हैं, यह दुर्भाग्य। जो मैं कह रहा था, मंत्र दीक्षा अलग होती है जो 6-8 साल की उम्र में वैदिक काल में दे दी जाती रही। गायत्री मंत्र में भी उसी अक्षरातीत की प्रार्थना है। भूभस्व का अर्थ क्या होता है? सच्चित आनंद। सत्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य आदि प्रकाश का भी प्रकाशक। वरेण्यम का अर्थ वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, उस परमात्मा के वर्ण करने युक्त जो में सुंदर स्वरूप का हम ध्यान करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र, इस गायत्री मंत्र में गायत्री छंद में लिखा गया है प्रार्थना अक्षरातीत की। इसमें किसी देवी देवता की प्रार्थना नहीं है, गायत्री नाम कोई देवी नहीं है, वो तो छंद का नाम है। जो हम तातम की 6 चौपाइयां ग्रहण करते हैं उसमें क्या कहा गया है? उसमें राज्य के स्वरूप की पहचान की कराई गई है कि जो अनादि है, अक्षर से परे है, वो हमारे प्रीतम, और वो महामती जी के धाम में प्रकट हुए हैं। आगे कहा गया कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, निराकार के पार के पार। इसमें एक और निर्देश दिया जा रहा है, एसत वाणी मत के ले जिनको साथ। वैदिक काल में जो गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर विद्यार्थी को गुरुकुल में रहने के लिए कहा जाता था कि जो मैं 25 वर्ष की अवस्था तक 36 या 48 वर्ष तक ज्ञानार्जन करना है, उतने समय तक तुम्हें वेदाध्यन करना है। वही वाणी में 6 चौपाइयों में एक संदेश दिया जाता है, एसत वाणी मत के लेऊं जिनको साथ। ब्रह्मवाणी का चिंतन करना है हमें, चाहे कोई गृहस्थी में हो या व्यक्त में। और वाणी का सार्थत्व क्या है? तारतम सार जागने विचार। तारतम का सार क्या है? जागने। जागने का सार क्या है? धनी की पहचान। धनी की पहचान कब होगी? जब प्रीतम का दीदार होगा। तो केवल शब्द पढ़ने मात्र से पूरी पूर्ण पहचान नहीं होगी, पूर्ण पहचान होगी है जब हम वाणी का चिंतन करें, चिंतनी करें और साक्षात अक्षरातीत युगल स्वरूप को हम अपने धाम हृदय में बसाएं, तो हमारी आत्मा जागृत होती है। पूर्ण स्वरूप हक का जब आए बैठा हमारे अंतिम, तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े स्वरूप। जब राज्य का नख से सिक तक पूर्ण स्वरूप हृदय में विराजमान होता है, तब हमारी आत्मा जागृत होती है। ये तारतम की 6 चौपाइयों का लक्ष्य है और एक साथ ही दे दिया जाता है। लेकिन एक अंध परंपरा के साथ कान में फूंक मारना अंध परंपरा है। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था, भविष्य में भी कहूंगा। मैं जानता हूँ कि इसके कारण मेरी आलोचना होती है, लेकिन मैं संसार से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। मुझे मेरी प्रशंसा हो या निंदा, मुझे कोई चिंता नहीं। नित्य निरूपण यदि नित्य में निपुण व्यक्ति कोई निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी समाविशत गच्छतु, ऐश्वर्य आए या चला जाए, अद्यैव मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रज्वलन्ति धीरा, मृत्यु आजीव हो या युग के बाद, किंतु न्याय के मार्ग से धैर्यशाली पुरुष को भी पीछे नहीं। मैं ये कहूंगा कि अंध परंपरा है, कान में फूक मारने की परंपरा होनी नहीं चाहिए। देखिए आप प्राचीन परंपरा को देखिए, मैंने अभी आपको सनत कुमार और नारद जी का वृत्तांत सुनाया था, जिसमें सनत कुमार नारद जी को उपदेश देते हैं। ये पूरा वर्णन आप छांदोग्य उपनिषद में पढ़ सकते हैं। मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है? तत्व विचारार्थ सह गुरुमेव अवगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। ब्रह्म को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसको वेद के गुह्य रहस्यों का अनुभव, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया हो, उसके पास जिज्ञासु जाए। और योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम परम तत्व को जानना चाहते हो तो तत्व ज्ञानियों के पास जाओ,
ऐसे क्यों कहा जाता है? तो कान में फूंक थोड़े मारते थे ये रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरु तोतापुरी जी ने पास बुलाकर कान में फूंक थोड़े मारी थी, ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, ध्यान अवस्थित कराया और यही करते थे। तो जो ये शब्द रूप में, जो मंत्र रूप में जो ज्ञान दिया जाता है, जैसे पौराणिक युग था, आज भी पौराणिक युग का ही बोलबाला है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, कोई ओम नमः शिवाय है, कोई राम रमा, इसी को कहते थे कि तुम कान में कह देते थे, फूक मार देते थे, कह देते थे कि तुम किसी को बता दोगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि राधा स्वामी जैसे ध्यान की पद्धति सिखाने वाले संप्रदाय में भी आडंबर है, उनमें भी जो 5 शब्दों की दीक्षा दी जाती है, निरंजन ओम सोम शक्ति रनम, किसी को बताने का अधिकार नहीं होता। उनको यह नहीं अधिकार होता कि तुम 5 शब्दों को किसी को बता दो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होता। जो ज्ञान दिया जाता है, किसी भी योगी के पास जाएंगे तो ध्यान की पद्धति सिखाएगा, पहले मंत्र दीक्षा, उसके बाद ज्ञान दीक्षा, ज्ञान को ग्रहण करने का व्रत, और उसके पश्चात परब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए जो योग दीक्षा दी जाती है, उसमें योग की प्रक्रिया समझाई जाती है। हाँ, योग की प्रक्रिया एकांत में अवश्य की जाती है, क्योंकि सभी लोग उसके पात्र नहीं होते। जो भी किसी ब्रह्मनिष्ठ योगी के पास जाएंगे, जब वो आपको ध्यान की प्रक्रिया बताएगा, ध्यान अवस्थित कराएगा, तो एकांत में ही समझाएगा, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को उसका रहस्य बताने पर उसका महत्व नहीं रह जाता, वो उसकी हंसी उड़ाएगा, क्योंकि जो ध्यान में बैठना भी नहीं सीखा वो समाधि के गुण रसों को कैसे जान सकता है। लेकिन जो मंत्र दीक्षा है, मंत्र में क्या है, ज्ञान निहित होता है। ज्ञान क्या है, सत्य की पहचान दिलाता है, इसलिए ज्ञान की दीक्षा तो सबके सामने दी जाती है। इसलिए प्राचीन काल में जब ये जो पवित्र संस्कार किए जाते थे तो सबके सामने किए जाते थे और सबके सामने गायत्री मंत्र बोला जाता था। मध्य काल में इसको अंधविश्वास का प्रतीक बना दिया गया कि स्त्रियां न सुन ले, शूद्र न सुन ले, तभी तो वेदांत दर्शन की टीका में आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखा शूद्र के तिरस्कार पर, वही निम्बार्क ने भी नकल किया, माध्वाचार्य ने भी नकल किया, वल्भाचार्य ने भी नकल किया। अभी जो स्मृति सूत्र की व्याख्या में आप सोचिए, इन सारे महामनीषी जो कहे जाते हैं शूद्र को कितनी घृणा के दृष्टि देखा है कि यदि शूद्र के कान में इसका एक अक्षर पड़ जाए तो उसमें जीवा पिघला कर डाल दो, यदि वेद का कोई अंश पड़ता है, वेद के ज्ञान से रहित कर दिया। ये अंध परंपरा कब शुरू हुई, मध्य काल के दिन। प्राचीन काल में तो जन्मना वर्ण व्यवस्था थी, जाति नाम की कोई वस्तु नहीं थी। जब से जातिवाद का आडंबर चला, अशिक्षा के अधिकार में देश डूबता गया, गुरुतम फैलता गया, और स्वयं को गुरुजन कहलाने वाले इन महापुरुषों ने शालिग्राम की पूजा कराई, शिवलिंग की पूजा कराई, एक ब्रह्म से निष्ठा छुड़ा दी, कान में फूक मारते रहे। दुख तो तब होता है जब हम स्वलीला उद्वेत परम धाम का ज्ञान लेकर कान में हम भी फूक मारते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, मेहंदी रचाते हैं, ढोलक बजाते हैं कि कोई कोई सुन न ले, इससे बड़ी हंसी और कुछ नहीं हो सकती। मैं वही बात कह रहा था, सारी सृष्टि चल रही है दूसरों का सम्मान करने से, यदि गुरु तत्व तो हट जाएगा तो सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। अतिवाद बहुत बुरा होता है, एक तरफ तो हमारे समाज में भी एक अतिवाद, हमारे क्या सभी संप्रदाय में अतिवाद चल रहा है। एक बार कहता है कि हमारे गुरु जी साक्षात परमात्मा है, हम उनके सिवा किसी को नहीं सुन सकते। अच्छी बात है, आप अपने गुरु जी पर श्रद्धा रखिए, लेकिन छोटे बड़े की भावना न कीजिए, क्योंकि किसी भी गुरु के पास कोई ज्ञान होता है तो परमात्मा का ही दिया होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो स्वतः ज्ञान लेकर ही पैदा होता है। सृष्टि जब पैदा हुई तो ब्रह्मा विष्णु शिव को भी ज्ञान देने वाले कोई थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और परंपरा दर आज तक चला आता है। सदगुरु धन सिंह देवचंद जी को यदि राज्य ने दर्शन नहीं दिया होता, उनके धाम हृदय में नहीं बैठे होते, तो वो भी सदगुरु नहीं कहला सकते थे। मैंने अभी उदाहरण दिया कि स्वयं मिहिराज मिहिराज ही रह जाते यदि उनके धाम हृदय में ईश्वर स्वरूप नहीं विराजमान होते, तो वाणी का अवतरण नहीं होता। तो आज आपके पास ज्ञान आया है तो तारतम वाणी के कारण आया।
आप किसी स्थान के अधिष्ठाता हैं, स्थान के स्वामित्व पर आपका अधिकार है, आप जगत गुरु कहलाते हैं, कुछ भी कहलाइए, लेकिन जान तो आपका नहीं है, वो तो राज्य का दिया हुआ है। इसलिए सबका सतगुरु कौन है, वाणी में इसलिए कहा है, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं आने से चल रहा हूँ, मेरे सतगुरु कौन है राज्य। जब आप यह समझेंगे कि मेरे पास जो ज्ञान है वो बांटने के लिए है, उसके बदले कुछ लेने के लिए नहीं। जो सच्चे सतगुरु होते हैं दोनों हाथों से नहीं, हजार हाथों से लुटाते हैं, जितना ग्रहण किया है उससे 10 गुनी ताकत से उसको बांटने का प्रयास करते हैं। पूरे संसार जब तक ये प्रक्रिया रही, भारत विश्व में पूजित होता था। जब ये प्रक्रिया हट गई, कनफुकवा परंपरा चली गई, तब से अंधकार ही अंधकार फैल गया। तो दूसरी एक परंपरा ऐसी चल गई है जिसमें कहा जाता है कि सद्गुरु महाराज के चित्र के आगे बैठ जाओ, तारतम की 6 चौपाइयां लिख करके रख लो, उसको याद कर लो, किसी को भी गुरु बनाने की जरूरत नहीं। यह भी अतिवाद, गुरु ही परब्रह्म है यह मानना भी गलत है, क्योंकि परब्रह्म के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। इस जागनी ब्रह्मांड में राज्य ने अपना स्वरूप केवल महामती को बनाया, कोई दूजा मरद न कहा भी एक मेरी बापू। कोई भी सदगुरु हो सकता है, परमहंस हो सकता है, महान महिमा को धारण कर सकता है, लेकिन महामती जी के अतिरिक्त किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं है। लेकिन आजकल तो बाढ़ लगी हुई है, कोई सामाजिक बनता है, कोई राज्य बनता है, यहां तक भी वो तो भी सीमित। जो इसके नाम पर शोषण होता है वो अलग प्रवृत्ति है। जो मैं कह रहा था, एक तीसरी विचारधारा जो हो गई है कि केवल वाणी पढ़ लो, किसी से तारतम्य भी लेने की जरूरत नहीं है, या सतगुरु महाराज के चित्र के आगे तारतम ले करके मत्था टेक लो, उनके चित्र से ही तारतम मिल जाएगा। तुम किसी को भी पंचभौतिक तन वाले को सदगुरु न मानो तो जानते हैं इसकी परिणित क्या होगी। आने वाले समय में सारी पीढ़ियां वाणी से राज्य से कोसों दूर हो जाएंगी। आप 20-20 25-25 साल हो गए, आप मंदिरों में भी तक नहीं होने देंगे, चर्चा नहीं होने देंगे, केवल सीढ़ी चलाएंगे तो क्या होगा। आने वाली पीढ़ी तो निठल्ली हो जाएगी, विद्वान तैयार ही नहीं, ये तो क्या होगा। आपकी पीढ़ी ने तो अपने सतगुरु को देखा है, आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा कि आपके सतगुरु का व्यक्तित्व तो क्या था, उनको मार्गदर्शन कौन कराएगा। इसलिए छोटे बड़े की भावना पहले ही गुरु तत्व में समाप्त कर देनी चाहिए। एक गुरु को भी मालूम होता है कि मेरे चरणों में जो एक छोटा बालक आया है, एक दिन ये बड़ा होगा और ये भी एक गुरु तत्व को धारण करेगा। गुरु तत्व मैं पहले ही कह रहा हूं, सबका सतगुरु कौन है, एक अक्षरातीत। अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है, स्वयं देवचंद जी को भी अधिकार नहीं है। और जिनको हम राज्य का स्वरूप मानते हैं, सतगुरु धन देवचंद जी और प्राणनाथ जी, दोनों तनों में साक्षात राज्य ने लीला की है। इन तनों में यदि राज्य नहीं लीला करते तो श्यामा जी की आत्मा हो चाहे इंद्रावती जी की आत्मा, उनको भी सतगुरु नहीं कहा जा सकता। तो आप अपने सदगुरु को इतना विशिष्ट स्थान दे रहे हैं कि कहते हैं कि इसके बाद कोई तारतम्य दे ही नहीं, कोई बीतक ही नहीं करे, तो इसका परिणाम क्या होगा। संसार में तो अज्ञानता का अंधकार फैल जाएगा। इसलिए यदि हर कोई समझ ले कि क्यों राज्य किसी न किसी रूप में सबको ज्ञान दे रहे हैं। मैंने आपको प्रकृति का उदाहरण दिया था, झूमते हुए वृक्ष, वृक्षों से लिपटी हुई लताएं प्रेम का संदेश देती है, हवा हमें ज्ञान देती है। सारी बात को छोड़िए, दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु बनाए थे, एक वैश्य से तक से सीखा। रात्रि का अंधकार है, आधी रात का समय है, देखते हैं कि ये वैश्य व्याकुल होकर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, आधी रात तक उसका प्रेमी नहीं आता है, तो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं अपने परमात्मा को की भक्ति करूं तो मेरा कल्याण हो जाए। दत्तात्रेय सोचते हैं कितनी बड़ी मेरी गुरु है, उन्होंने उससे भी शिक्षा ली कि जितनी व्याकुलता ये अपने प्रेमी के लिए कर रही है, उतनी व्याकुलता मुझे परमात्मा को पाने के लिए करना चाहिए। अजगर से शिक्षा, पक्षी से शिक्षा, हर एक से शिक्षा यदि ले सकते हैं तो हमें तो सृष्टि में सबसे शिक्षा लेनी। जब हम छोटे होते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं, तो माँ की उस समय की शिक्षाएं हमारे लिए कार्य करती हैं।
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। पिता से 10 साल की उम्र तक शिक्षा मिलती है, आगे शिक्षकों से शिक्षा मिलती है। हमें किसी ने विश्वविद्यालय में पढ़ाया, किसी ने प्राथमिक कक्षा में पढ़ाया, तो क्या प्राथमिक शिक्षा के गुरु जन हमारे सामने आए तो क्या मुंह फेर लेंगे? नहीं, हमें सबका सम्मान सीखना होगा, माता पिता का अलग, जिसने प्राइमरी क्लास में हमको पढ़ाया, माध्यमिक विद्यालय में जिसने पढ़ाया, जिसने विश्वविद्यालय में पढ़ाया, सभी हमारे आदरणीय। हम उनपे छोटे बड़े की भावना न करें। आजकल क्या होता है, हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं सृष्टि में, हम मान लेते हैं, दूसरों की निंदा पर उतर आते हैं। आप क्यों निंदा कर रहे हैं? हर परमहंस को राजी ने अपनी शोभा दी। आज देखिए, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी पैदल चलकर शेरपुर से रतनपुरी पहुंचते थे, उस समय बैलगाड़ी पर भी कभी उनको बैठने को नहीं मिलता था। तो क्या हम अहंकार में खड़े हो जाए कि हम हवाई जहाज में चलते हैं, हमारे सामने महाराज जी क्या? ये अहंकार की प्रवृत्ति हमारे समाज में कितनी बुरी तरह से बढ़ रही है। एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है मंच पर, कहता है कि जो प्राणनाथ जी ने नहीं किया, 12,000 पढ़ाई नहीं कराए थे, हमारे गुरु जी ने करा दिया। एक कहता है कि प्राणनाथ जी 12,000 को तारतम्य नहीं दे सके, हमारे गुरु जी ने तो 12,000 से ज्यादा को दे दिया। कितनी बड़ी भ्रांतियां, हम किसको नीचा दिखाना चाहते? उस प्राणेश्वर अक्षर अतीत को जिसको स्वयं श्री राज ने अपना स्वरूप बनाया। नाम श्रृंगार सोहा सारी मैं भी एक तुम्हारे लिए। इसलिए समाज का उत्तरदायित्व है, जिससे शिक्षा मिलती हो उसे ज्ञान ग्रहण करें, सबका सम्मान करें, छोटे बड़े की भावना छोड़े, क्योंकि सबके अंदर एक ही चेतना है, एक ही अक्षरातीत की आत्मा है। आत्म सामने एक जिसे जुजवी तदी से दे। यदि हम कहते हैं कि हमारे सदगुरु महाराज जैसे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, सब छोटे हैं, तो हम कितनों का 11,999 ब्रह्मात्माओं का अपमान कर, अलग अलग समय पर अलग अलग धन के द्वारा अलग अलग रूपों में लीला की जाती है। उस समय की वही आवश्यकता होती है, युग बदलता है, लेकिन हम तो बदलना नहीं चाहते। हम तो उन्हीं सीढ़ियों को आज भी सुनना चाहते हैं कि नहीं, भविष्य में कोई भी सुनेगा नहीं। ये मानसिकता कितनी घातक है। इसका परिणाम क्या होगा? भविष्य में कोई विद्वान नहीं होगा, तो आने वाली पीढ़ी को कोई राज्य की पहचान कौन करेगा? कई कह देते हैं कि इस स्थान पर एक ही गुरुजन रहेंगे, कोई दूसरा रह ही नहीं, परिणाम क्या होगा? वहां कोई विद्वान ही नहीं रहेगा तो ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? वेद तो कहते हैं 1,000 हाथों से लुटाओ, आप तो 2 हाथ हैं। 500 व्यक्ति आपके पास 2 हाथ हैं, लेकिन वेद कह रहे हैं 1,000 हाथों से 500 गुनी सामर्थ्य से आपको लुटाना है इस ज्ञान को। जब तक आपके विचार ऊंचे नहीं होंगे, गुरु तत्व को आप समझ नहीं सकते। आपने गुरु तत्व को शरीरों से बांध रखा है। हमारे गुरु जी आप अपने गुरु जी की महिमा में गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, आपको इससे क्या मिलेगा? ये कड़वाहट आपके हृदय में घृणा का जो वृक्ष पैदा कर रही है, उससे सबसे अधिक क्षति आपकी होगी। समाज तो नष्ट हो ही रहा है, सबसे पहले आप नष्ट होंगे, क्योंकि आपके अध्यात्म का मार्ग रुक जाएगा। ये गुरु गुरिमा यही सिखाती है कि जिससे शिक्षा मिले उसके प्रति आप श्रद्धा रखिए, क्योंकि ये श्रद्धा ही सत्य को मिलाएगी। आप दोष दृष्टि हटाइए। प्राचीन काल में जब दीक्षा दी जाती थी तो गुरुजन उपदेश देते थे, यान कानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपासितानि न इतरा। हमारे जो अच्छे कार्य हैं, जो हमारे अच्छे आचरण है, केवल उसको तुम ग्रहण करो, विद्यार्थी से कहा जाता था। हमारे अवगुणों की तरफ ध्यान ना दो। आप तो सरल चौपाइयों में सुनते, अवगुण कार्य गुण गए हरे से ऊंचे। आप जिस भी गुरुजन से ज्ञान मिला है उससे ज्ञान ग्रहण कीजिए। प्राचीन काल में एक परंपरा थी, ऋषि जनों को जितना पता होता था उतना ही बताते थे और कहते थे कि इससे आगे का ज्ञान अमुक ऋषि के पास है, वहां चले जाओ। इसलिए सांख में एक सूत्र आता है, बहु शास्त्र गुरु उपासने अपि सत्पदवत्। जिस तरह से भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से जिज्ञासु को चाहिए कि अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, अनेक गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करे। आजकल तो कह दिया है, गले में कंठी बांधती और कह दिया कि देखो, यदि तुमने किसी दूसरे की चर्चा सुनी तो सीधे नरक जाओगे। जैसे एक गड़ेरिया अपने भेड़ों को बकरियों को बांध करके रखता है कि कहीं भाग न जाए मेरे अंदर से, उसी तरह से आज भी हो रहा है। कंठी गले में डालती, रस्सी ऐसी कि तुम किसी की चर्चा नहीं सुन सकते, किसी का साहित्य नहीं पढ़ सकते, किसी से कुछ सीख नहीं सकते, तो परिणाम क्या होगा? जान का मार्ग अवरुद्ध हो गए। ये तो सागर की तरह है,
सागर हमेशा लहराता रहता है, गंगा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। जीवन में हर क्षण सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चरैवेति चलते रहो सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यदि आप में ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है, यदि आप ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं गुरुनाम फैलाकर कि मेरे शिष्यों की मंडली है, मेरे शिष्यों की मंडली से कोई भागना चाहे, तो आप अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं। आपके पास जितना ज्ञान है दीजिए, ज्ञान के बदले कुछ अपेक्षा न कीजिए कि मुझे धन दे, मेरे चरण छुए, मेरी प्रतिष्ठा दिए। आपको भी किसी ने दिया है, आपको रखने का अधिकार नहीं है। ये अमानत आपको सौंपी गई है, राज्य ने दिया है, आप उसे दूसरों में बांटिए, निस्वार्थ भाव से बांटिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो राज्य की आप पर कृपा बरसेगी। लेकिन यदि आप गड़रिया स्वयं बन जाएंगे, कंठी के बहाने सबको बंधन में रखा करेंगे, तो आपका भी जान कुंठित हो जाएगा और सारे समाज में राग द्वेष का जो वातावरण है, ऐसे गुरुजनों के कारण कि वो जान को फैलने नहीं देना चाहते। वे सोचते हैं कि मेरे जीते जी मेरे बराबर कोई व्यक्तित्व का पैदा भी ना हो और मेरे शिष्य मेरे सिवा किसी और की बात सुने नहीं। यही संकीर्णता इस प्रणामी समाज को, क्या हर संप्रदाय को, हर संसार के हर पंथ को रसातल की तरफ ले जाने की। गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है? शिक्षा देने के लिए। जैसे जैसे हम सकारात्मक भावनाओं रखेंगे, सारे ज्ञान का स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म को मानेंगे, ज्ञान को बांटने की प्रवृत्ति रखेंगे, उसी तरह से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह हमारे व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा। और जो प्रथमा से शुरू हुआ 14 दिनों के बाद पूर्णमासी के दिन पूर्णमासी का चंद्रमा बनकर उतरेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश लिया है चंद्रमा ने और सारे संसार को शीतलता बांट रहा है, शीतल चांदनी में सारे संसार को नहला रहा है, उसी तरह से आप भी एक योगी गुरु के रूप में संसार का मार्गदर्शन करेंगे। आपका व्यक्तित्व महान होगा, आप गुरु तत्व को मिटा देंगे, संसार मिट जाएगा, क्योंकि कोई किसी से शिक्षा नहीं देगा। ये बहुत विकृत परंपरा रही है कि कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं वहां उस स्वरूप को तो परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, लेकिन गुरु परंपरा ही खत्म कर दी जाती है। भाई गुरु परंपरा पूजा करवाने के लिए नहीं है, ये तो ज्ञान को बांटने के लिए एक परंपरा है। आपने ज्ञान अपने व्यक्तित्व में ग्रहण किया अपने जीवन काल में, उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को दे दीजिए। जैसे आपने अर्थ उत्पादन किया है, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे देते हैं, मरते समय तो लेकर नहीं जाते, उसी तरह से आपने जो ज्ञान अर्जन किया है दूसरों को दीजिए, ताकि वो भी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देकर आगे बढ़ाए। इसी को ऋण कहा जाता है। माता पिता के ऋण को पूरा करना कठिन है, लेकिन माता पिता के ऋण को तो पूरा भी किया जाए। आप सोचिए यदि गुरु ही ना मिले तो हमारा जीवन तो एक जंगली व्यक्ति की समान हो जाएगा। माता पिता हमें क्या देंगे? धन संपदा देंगे, खिला पिला देंगे, और क्या देंगे? ज्ञान के बिना मनुष्य तो पशु है, और ज्ञान को करके भी यदि परम का साक्षात्कार नहीं मिला, परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, अक्षरातीत से मिलन नहीं हुआ, तो भी ज्ञान निरर्थक रह जाता है। इसलिए तो कबीर जी ने कहा, सिर दिए सतगुण मिले तो भी सौदा सस्ता ज्ञान। सिर देने के बाद भी यदि सतगुण मिल जाता है जो अक्षरातीत से मिलन करा दे, तो सौदा सस्ता है। सुंदर साक्षी, आज के प्रवचन का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कोई विशेष गुरु की महत्ता बता रहा हूँ, मैं तो सत्य की बात कह रहा हूँ। मैं तो जानता हूं कि मैंने संसार के कड़वे सच को दिखाया। मैं 2005 में अपनी साधना को स्थगित करके जो ज्ञानपीठ की स्थापना की, राज्य की कृपा से जितना संभव हो सका साहित्य में उन चीजों में सेवा की, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गाली किसने दी? आप सुंदर साधना ही दी, कटु शब्दों की भरमार किसने की? सुंदर साधना की। ज्ञानपीठ में भी मुझको फटकार लेने वाले बड़े बड़े व्यक्ति कौन है जिन्होंने मेरे से ज्ञान लिया? मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ज्ञान के प्रकाश को आप फैलाइए, आपका कर्तव्य है। ये पूजा है, ये अक्षरातीत की आराधना है। ज्ञान के प्रकाश को आप बांटेंगे तो राजी आपके अंदर और भरपूर ज्ञान लेंगे। और गुरु पूर्णिमा के इस महत्व को आपको समझना होगा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व समस्त सृष्टि के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। एक बार यह बात आई थी कि हमारे समाज में गुरु पूर्णिमा का महत्व करने की क्या जरूरत है, हमारे तो सदगुरु महाराज हैं ही, आपके तो सदगुरु महाराज हैं,
आज के 40 साल के बाद जो नई पीढ़ी आई है आपके सदगुरु महाराज को तो देखेगी नहीं, फिर वो क्या करेगी? केवल चित्र को ही सदगुरु मानती रहेगी। आप किसी व्यक्तित्व को पैदा नहीं होने देंगे, वाणी का प्रकाश रोक देंगे। आपने सारे मंदिरों में मृतक की चर्चा तो रुकवा दी, तो किस हद करना पड़ता है? मंदिर सुने होते जा रहे हैं, ऐसे सुने मंदिरों को बनाने से क्या लाभ है जब उसमें कोई जाए नहीं, ज्ञान चर्चा ही ना हो। करोड़ों करोड़ों के मंदिर हो जाते हैं, कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई चितवनी का मार्ग नहीं, और केवल गुरु जी को सब कुछ मानो, केवल आरती पूजा करो, ये मात्र गुरुडम है। इससे गुरुडम भी अनर्थकारी है और गुरु तत्व को नकारना भी अनर्थकारी है। बीच का रास्ता होना चाहिए, अतिवाद से बचिए। गुरु तत्व अनिवार्य है, ज्ञान के बिना सृष्टि में रहा नहीं जा सकता। ज्ञान का प्रकाश गुरु तत्व करता है, माता से लेकर सदगुरु तक ये गुरु तत्व कार्य कर रहा है। इसलिए गुरु तत्व को सदगुरु को एक तत्व मानिए, पर ब्रह्म की कृपा का प्रकाश मानिए, उसको शरीर न मानिए। जब आप गुरु तत्व को शरीर के ढांचे में देखते हैं कि मेरे गुरु जी वो तुम्हारे गुरु जी, तो एक गुरु दूसरे एक शिष्य दूसरे अपने गुरु की तो महिमा गाएगा, दूसरे गुरु जी की निंदा करेगा। इसलिए आजकल तो मंचों में समस्या खड़ी हो जाती है कि कुछ सुंदर सर कई गुरुजनों के होते हैं, वो अपने गुरु जी का मंत्र गुरु जी की महिमा में भजन गा दिया, दूसरे नाराज हो जाते हैं कि उनका गाया गया क्यों गया, हम गाएंगे। अरे भाई, जितने गुरुजन हैं सभी परमात्मा है, उनके अंदर राज्य ने लीला किए, सबका सम्मान कीजिए, सबको परम धाम के परमात्मा के दृश्य देखिए, तो राग द्वेष के बंधन समाप्त हो जाएंगे। एक ही परम धाम से सरकार जी की आत्मा आई है, एक ही परम धाम से महाराज जी की आत्मा आई, गोपाल मणि जी की आत्मा भी उन्हीं परम धाम से आई है, या मंगलदास महाराज की आत्मा भी परम धाम से ही आई। ब्रह्मात्माओं में छोटा बड़ा करके भेद न कीजिए, ये कहना कि हमारे गुरु जी ऐसा कोई नहीं हुआ, तो आप ऐसा कभी न कहिए, क्योंकि ऐसा कहकर आप संपूर्ण ब्रह्मात्माओं का अपमान कर रहे हैं। राजी जो जीव जिस जीव पर ब्रह्मात्मा विराजमान होती है, उस पर जो राजी जितनी वो कुर्बानी जीव करता है उसके अनुसार उसको शोभा दी जाती है, देने वाले वो है। तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुकम करित। मूल स्वरूप जिस ब्रह्मात्मा को उसकी करनी के माफिक कृपा देते हैं, तो हमें उसका महिमा मंडन करना है, छोटे बड़े की भावना से परे हटकर सबको प्रेम के दृष्टि से सींचना है। और मैं आशा करूंगा आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने काफी कठोर वचन कह दिए, मेरा उद्देश्य किसी के हृदय को दुखी करना नहीं, लेकिन क्या करें, जब समाज में अंधकार होता है तो कुछ कहना ही पड़ता है। माथे ले से तेने को छू बीजा माँ कर जो दो तमे तुम्हारी माया मही से जे भगो जसु। प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी परम हंसों के चरणों में धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, आज तक जितने परम हंस हुए और सबके सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज बहुत हर्ष का विषय एक और भी, आज स्वामी जी के दर्शन हुए, इतनी सुंदर हमने गुरु पूर्णिमा पर चर्चा सुनी, गुरु के महत्व पर, और असल गुरु सतगुरु कौन होता है उनके बारे में सुना, और हमारी बानिका जी ने अति सुंदर वाणी गायन किया था, और उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि उसको गुरु पूर्णिमा पर ही रिलीज किया जाए। तो आज SPJIN वाणी गायन जो चैनल है उस पर जाकर आप जरूर उनका आनंद लीजिएगा। अभी केवल एक पैराग्राफ हम सभी सुंदर सा दो उसके सुनेंगे, पर पहले स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करेंगे। मुझे पता है हम सब सुंदर साथ अपनी मर्यादा में रहते हैं, कोई भी सुंदर साथ मर्यादा से बाहर नहीं जाता, फिर भी मैं आज 2 मिनट लेते हुए सबको अनम्यूट कर रही हूँ। कृपया सभी मर्यादा में रहकर आज के दिन सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर सकते, केवल 1 मिनट या फ्यू सेकेंड्स के लिए अनम्यूट कर रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, सभी स्वामी जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम जी, स्वामी जी प्रणाम जी, कोटाना कोट प्रणाम जी, 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 प्रणाम
प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम 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 जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी हम सब की ओर से स्वामी जी के चरणों में अनंतानंत प्रणाम जी। ऐसे सतगुरु जिन्होंने श्री मुखवाणी का टीका दे दिया वो भी भावार्थ सहित, ऐसा कौन सा विषय है जो अछूता रह गया हो उनके ज्ञान से, चाहे वो मेडिसिन हो सुंदर साहब जी, किसी भी प्रकार का आप टीका पढ़कर देखिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा बहुत कुछ गवा रहे हैं। जरूर आज से श्री बीतक साहब श्री मुखवाणी टीका और SPGIN से जितने साहित्य निकलते हैं उनको जरूर पढ़िएगा। आइए सुंदर साहब जी अभी जल्दी से बहुत सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं और वो भी वानिका दीदी के मुखारबिन से। आज हम तो केवल झलक सुनेंगे उसकी और उसके बाद बहुत प्यारी सूचनाएं, उनको भी मिस मत कीजिएगा। हम तो केवल झलक दिखा रहे हैं, पूरा सुनने के लिए तो SPGIN म्यूजिक चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं। जी पूरा सुनना है तो आज SPGIN म्यूजिक पर जाना पड़ेगा और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे वाणी गायन वहां पर मिलेंगे। रोज सुबह उठकर इन्हीं के माध्यम से राज जी को जरूर याद कर लिया करें और फिर चितवन फिर चर्चा
सबसे पहले चितवन फिर वाणी गायन तो काम करते करते भी सुन सकते हैं, ताकि हर पल हर घड़ी धनी ही धनी चलते रहे और कोई विचार ही हमारे अंदर ना आए। आइए सुंदर साहब जी अब चलते हैं, बहुत सुंदर सूचनाएं, हर बार इतनी सुंदर जागनी की सूचनाएं होती हैं, जागनी के कार्यक्रम होते हैं, आज एक विशेष इसमें सूचना भी रहेगी तो जरूर ध्यान दीजिएगा सुंदर साहब। जी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ई गोष्ठी 17 आज विशेष ई गोष्ठी रही सुंदर साहब जी, गुरु पूर्णिमा विशेष, और आगे की सूचनाएं और जो कार्यक्रम हो चुके उनके बारे में भी जानते हैं। आइए चलते हैं आगे। जी प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी से आग्रह है कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के इस व्हाट्सएप नंबर पर कृपया नोट कर लीजिए +917533876060 को अपने फोन में SPJIN ज्ञानपीठ प्राणनाथ ज्ञानपीठ के नाम से सेव कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए मैसेजेस आपको प्राप्त हो सके। जिनके पास पहले से ही नंबर सेव है वो कृपया इस नंबर पर प्रणाम जी लिखकर आज ही भेज दीजिए सुंदर साहब जी। जिनके पास ये नंबर नहीं है वो कृपया अपना नाम और पता भी लिखकर प्रणाम जी के साथ अपना नाम और पता भी लिखकर भेजिए, ताकि हमें आगे की सेवा करने में सफलता हो, सरलता हो और सेवा में सफलता भी हो, क्योंकि आप सब सुंदर साथ से मिलकर ही, आपके सहयोग से ही हर सेवा सफल हो सकती है। आपके सहयोग के लिए खूब खूब धन्यवाद। जी सुंदर साहब जी, दिल्ली में वीना मित्तल जी के निवास पर हुए मासिक गोष्ठी जो कि 14 जुलाई को हुई थी, उसके कुछ छाया चित्र इस कार्यक्रम में दिल्ली की स्थानीय बहनों के साथ साथ सुनीता भगत जी ने सुंदर वाणी गायन से धनी को रिझाया, जिसके पश्चात श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के आचार्य अशोक जी ने सिंगार ग्रंथ से आसिक इन चरण की चौपाई पर चर्चा करते हुए उन चरणों को हृदय में बसाने का उपाय भी बताया। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साहब जी ने उनका लाभ भी लिया, और देखिए कितनी सुंदर शोभा भी धनी जी की यहाँ पर दिखाई गई। रौनक भाई वडोदरा के निवास स्थान पर गृह प्रवेश के अवसर पर आयोजित गोटा पारायण तथा वाणी चर्चा के कुछ छाया चित्र इस कार्यक्रम में श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की बहनों ने वाणी गायन तथा पारायण का पाठ किया। इसके पश्चात धर्म प्रचारक धनी दास जी तथा प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की आचार्या किरण माता जी ने ब्रह्मवाणी की चर्चा की तथा पारायण का समापन भी किया। देखिए कितना छोटा बच्चा यहाँ पर तबला बजाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सुंदर साहब जी, गुणों से भरपूर सभी सुंदर साहब। ज्योत्सना बेन जी द्वारा जामनगर में बीतक चर्चा, कितने सुंदर साथ लाभान्वित हो रहे हैं। इन बहन को तो हमेशा जब भी देखा जब भी सुना, गाड़ी में बैठी होती हैं हर समय सुंदर साथ जी ट्रेवल में अपनी सेवा में लीन। ज्योत्सना माता जी के चरणों में भी प्रणाम जी। विशेष कार्य पहले ही बता चुके हैं, फोटोग्राफ्स वीडियोस 2005 से 16 तक की जिनके भी पास हो जरूर भेज दीजिएगा। आपको पता ही है अशोक जी का ईमेल भी और व्हाट्सएप भी। जी श्री बीतक साहब, अब तो सुंदर साहब जी अराउंड द कॉर्नर कुछ दिनों बाद ही 25 जुलाई से शुरू होने वाली है, कृपया अशोक जी, चंद्र जी या कैलाश बेन जी से कांटेक्ट कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का 18वां वार्षिक महोत्सव ज्ञानपीठ परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये उत्सव की तरह सुंदर साहब जी, अभी तक तो जरूर टिकट्स बुक करवा लिए, और लेट मत कीजिए, जल्दी करवा लीजिए। रेडियो हो या ऐप हो, किसी चीज में कमी नहीं, आप डाउनलोड कीजिए और आनंद लेना शुरू कीजिए। तारतम मंजरी आ चुकी है, अवश्य हमने कुछ लेख तो पढ़ लिए होंगे, जो बचे हैं आगे भी पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, SPJIN म्यूजिक भी वहीं मिलेगा, और स्वामी जी की और अन्य सुंदर साथ जी की भी बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं अपलोड होती रहती हैं। नोटिफिकेशन पर ये बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा सुंदर साथ जी।
सोशल मीडिया अकाउंट्स, हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, सब पर अति सुंदर चौपाइयां, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, बहुत प्रकार के और ज्ञान की बहुत सारी बातें, प्रेम की बहुत सारी बातें वहां मिलती रहती हैं। तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ना केवल स्वयं आनंद लीजिए, सबको भी दीजिए, तो शेयर करना मत भूलिएगा जी। सुंदर साहब जी, अब समय आया है, इसका 18वां वार्षिक महोत्सव आने वाला है। हमारे घर में हमारी बच्ची की, लड़के की, लड़की की, किसी रिश्तेदार की भी शादी होती है ना, कितने महीने पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पिछली बार 3,500 सुंदर साथ एक दिन में वहां पर थे, पर डे 3,500 सुंदर साथ। इस बार तो और भी ज्यादा संभावना जताई जा रही है, और भारी संख्या में सुंदर साथ आने वाले हैं। तो क्या उसकी तैयारियां पहले से नहीं करनी है? वहां पर भी बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। ज्ञानपीठ हमारा घर है, हमारा आत्मिक घर जो है ना, वो ज्ञानपीठ है सुंदर साथ जी। तो यदि आपने बाद में सेवा भेजनी ही है, तो क्यों ना आज ही भेज दें, ताकि तैयारियों को और उत्तम तरीके से किया जा सके। आज ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अब नाउ इज द राइट टाइम। यदि आप बाद में सेवा देना चाहते हैं, तो अभी सेवा भेजने की कृपा कीजिए। प्रेम प्रणाम जी, आप सबके चरणों में, आपके सहयोग के लिए खूब खूब धन्यवाद। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, पर केवल स्वयं नहीं पीना, जैसे कि स्वामी जी ने कहा, 100 हाथों से बटोरिए तो 1,000 हाथों से बांटिए, 10 गुना शक्ति से उसको बांटिए। और प्रेम ही जीवन है, किसी के लिए घृणा का एक शब्द भी ब्रह्म आत्माओं के मुख से कभी नहीं निकल सकता, ब्रह्म आत्माओं के हृदय से कभी नहीं निकल सकता। इसलिए प्रेम भी फैलाएं, ब्रह्म ज्ञान का अमृत भी बांटें। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रहा, आप सभी सुंदर साथ जी के सहयोग से। और स्वामी जी आज हमारे बीच में आए, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा। तो सतगुरु के अंदर जो पर ब्रह्म की शक्ति होती है, वो अनंत दिखा सकती है। तो इसलिए वाणी मंथन की ओर मुड़िए, चितवन कीजिए, जो जो हमारे सतगुरु कहते हैं, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, तो असल गुरु पूर्णिमा हमारी होगी। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, स्वामी जी आपके चरणों में सुंदर साथ जी ने बहुत सुंदर उद्गार प्रकट किए, मैं केवल 5-6 मिनट का एक वीडियो लगा रही हूँ। आइए सुंदर साथ जी आनंद लेते हैं। सुंदर साथ जी ने जो बहुत सुंदर उद्गार प्रकट किए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, आइए सुंदर साथ जी उनका आनंद लेते हैं। सुंदर साथ जी का भी खूब खूब आभार। आइए चलते सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु हमें इस माया के अंधकार से निकालकर उस दिव्य अखंड धाम का अधिकारी बना देते हैं। ऐसे सदगुरु के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी, सदगुरु खुद तप कर कुंदन दूसरों को बना जाते हैं, जलाकर अपने हाथों को उजाला दूर तक बांट जाते हैं। प्रणाम जी। सच्चा सदगुरु वही है जो हमारे अखंड घर की पहचान कराए और माया मोह के बंधनों से छूटने का उपाय बताते हुए आत्मा के निज स्वरूप तथा पर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराए। प्रणाम जी। सतगुरु वो जो हमें अपनी साधना तपस्या के द्वारा जो भी मिले
चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो या चर्चा के माध्यम से, हमें वो निस्वार्थ भाव से देता है। प्रणाम जी। सद्गुरु दीपक को समान हुनुहुन्छ जसले सबैलाई आफू समान बनाइदिनुहुन्छ। प्रेम प्रणाम जी। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान, सतगुरु दीपक नी समान पोताना जेवो जो बीजो दीपक प्रज्वलित करे एवा परम पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ना चरणों मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। माया और ब्रह्म का निवेश करके प्रियतम अक्षरातीत की पहचान करवाने वाले सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सच्चा सद्गुरु जो अपनों को अपने से ही मिला दे, जो जीवन को सुंदर बना दे, जो कंकड़ को कंचन बना दे, वो सच्चा सद्गुरु। प्रणाम जी। अज्ञान रूपी अंधेरे से नेत्रहीन हुई मानव जाति को ब्रह्म ज्ञान रूपी काजल लगाकर ज्योति देने वाले सतगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु सत खेवैया है। Who is Satguru? Shri Mahamati ji says, because of the seed of Paramdham being present inside you, you have got the beloved Parabrahm in the form of Sadguru. That means, leave the false illusion and attain the eternal knowledge of Brahm and please your Sadguru. Prem Pranam ji. Sadguru ke jagmagate nuri swarup mein jhilti atma, unke prem ke prabal pravah mein behti hui, apne ghar Paramdham ki aur khichi chali jati hai. Sadguru ke charnon mein कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनुष्य जन्म को माया के मोह जाल के बंधनों से छुड़वा कर परब्रह्म परमात्मा की ओर एक सच्चे सद्गुरु उपाय बता सकते हैं। कहावत है, गुरु बिना गम ना मले। प्रणाम जी। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरु पूर्णिमा आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माई सद्गुरु श्री राजन स्वामी जी who has given us the precious gift of Srimukh Vani Tika that lights the lamp of wisdom within us. Pranam ji. Hamare Satguru Raj ji hame Tatam Vani ke madhyam se wo sikhapan dete hai sansar jhooth hai aur param dham satya hai. Pratham ka sakshatkar Satguru ke aashirwad se hi hota hai. Aise Satguru ke charno mein pranam. इस अज्ञानमय काल माया के ब्रह्मांड में अखंड परम धाम का ज्ञान देने वाले ऐसे सतगुरु के चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम। प्रणाम जी। सतगुरु वो जो हमको अंधकार से परे ले जाए और अपने मूल स्वरूप की पहचान कराए। प्रणाम जी। सच्चे सतगुरु के सानिध्य से ही हमें अपनी पहचान होती है, उन्हीं के चरण से ही हमें अखंड सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अपने रूप बनाते हैं। तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि बेर वंदन। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे सतगुरु अखंड घर और धाम धनी की पहचान करवाकर पिया से मिलने की राह बताते हैं और आपका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। प्रेम प्रणाम। समर्थ सदगुरु ही हमारे सच्चे पथ दर्शक होते हैं। बिना सदगुरु हम दिव्य परम धाम नहीं पा सकते। दुनिया के संबंध हमें नसीब से मिलते हैं, पर सदगुरु की सान्निध्यता हमें हमारे मूल निस्वत से मिलती है, इसलिए सदगुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती। जब अखंड का ज्ञान देने वाले सच्चे सतगुरु मिल जाएंगे तब इस मायावी जगत तथा परब्रह्म की पहचान हो जाएगी। जब हृदय में परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तब आत्मिक दृष्टि अनंत ब्रह्मांडों से परे निज धाम में पहुंचेगी। ते सतगुरु अजेहा हुए जो सानू अज्ञानता दे हनेरे तो बाहर कढ़ के ज्ञान दी रोशनी वल ले जावे,
जो सानू सच अते झूठ विच भेद करना सिखावे। सच्चा सतगुरु ओही जो सानू सही राह दिखावे ते उसते चलन लई प्रेरित करे। जी प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर मीराबाई ने भी कहा है, गुरु मिल्या रे दास जी दीन ज्ञान की गुटकी, गुरु मिल्या रे दास जी दीन ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की, मार हटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं की, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी, अब मैं इस 14 तबक में अटकी नहीं रहूंगी, अब तो मैं पार निकल जाऊंगी, क्योंकि सतगुरु भी तो देखो कैसे मिले हैं मुझे, तो ये मैं क्षमा चाहती हूँ स्वामी जी, पर मुझे लास्ट बैच हम सुंदर साथ जी हैं, पर सबसे बड़ा सौभाग्य मैं यही मानती हूँ कि मुझे श्री राजन स्वामी जी जैसे सतगुरु का संग मिल गया, तो लास्ट होने का गम भी मिट गया। सुंदर साथ जी ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में आइए चलते हैं, अति सुंदर वाणी गायन श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की कन्याओं के द्वारा, बहुत सुंदर जी, आइए चलते हैं सुंदर साथ। आइए सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की ओर चलते हैं, अति सुंदर वाणी गायन का आनंद, और साथ में सतगुरु की कौन कौन सी चौपाइयां ढूंढ ढूंढ कर ये प्यारी बच्चियां लाई हैं, आइए चलते हैं सुंदर साथ। Thank you.
अगले हफ्ते, अगले सप्ताह रविवार 10 बजे फिर से मिलेंगे सुंदर साथ जी। सोलफुल संडे यानी के आत्मिक आहार से भरपूर ये रविवार के लिए ज्ञानपीठ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।